नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव महमूदपुर में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर जो गांव की सड़कें हैं सभी सीमेंटेड सड़कें हैं, पूरे गांव में सीमेंटेड सड़कें बिछी हुई हैं। बहुत ज़्यादा विकास इस गाँव का किया गया है। बराबर में हम आपको दिखा सकते हैं कि बराबर में यहाँ पर बारात घर भी बना हुआ है, स्कूल भी यहाँ पर है, सामुदायिक शौचालय भी यहाँ पर है। इस समय ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे आज 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इन लोगों को योगी जी का शासन कैसा लगा, या इन्हें मायावती का शासन पसंद था, या फिर अखिलेश यादव जी का शासन इन लोगों को पसंद था, इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं यहाँ से पूर्व प्रधान हूँ, गाँव थ्रोली महमूदपुर से। प्रधान जी, ये बताइए, जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का हो चुका है, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, अगर भ्रष्टाचार की बात करो, कानून व्यवस्था के मामले में तो योगी सरकार बढ़िया है जी। विकास कार्य में देखो, हमारे यहाँ से तो फिलहाल इस में विधायक ने कुछ नहीं कराया इस योजना में अपनी। उससे पहले अम्बेडकर योजना में गाँव रहा, बढ़िया CCVC, खड़ौंजे, पेयजल व्यवस्था सब कुछ संपूर्ण है। तो ये आपके गांव का जो विकास हुआ है, सीमेंटेड सड़कें हैं, बारात घर है, सामुदायिक शौचालय भी है, बराबर में स्कूल भी है, ये किसके शासनकाल में हुआ है? मायावती इसके शासनकाल में हुआ है। अच्छा, अंबेडकर योजना में गांव रहा था, उससे पहले बहुत विकास कार्य है उस टाइम पे। उसके बाद अखिलेश सरकार में कोई विकास कार्य हमारे यहाँ नहीं हुआ। योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश है, गुंडागर्दी नहीं है, इतना बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है। वैसे फिलहाल कुल मिलाकर ठीक है सरकार, योगी सरकार भी। तो महंगाई के विषय में आप क्या कहेंगे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? महंगाई तो देखो, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव रोज बढ़ते जा रहे हैं। अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो आम जनता तो पिसेगी, सीधी ही बात है, फिर महंगाई तो होगी जरूरी। इस पर अंकुश लगाना चाहिए, या अगर सरकार इसे और ध्यान दे तो मेहरबानी होगी। तो कानून व्यवस्था आपके हिसाब से इस सरकार में सही है? हाँ जी, कानून व्यवस्था सही है इस सरकार में। फिलहाल कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई भय नहीं है किसी चीज़ का। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका किस प्रकार का मूड है, किसे आप वोट करेंगे? देखो, अगर भ्रष्टाचार या विकास कार्य की बात करो तो योगी सरकार भी ठीक है। वैसे शासनकाल जो है महत्वपूर्ण रहा मायावती जी का, मेरे हिसाब से तो शासनकाल बस पकाना चाहिए जी। तो जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ से, उनके कार्यकाल से, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, हमारे कार्य जो विधायक जी थे हमारे यहाँ देवेंद्र नीम, हम भी पूर्व प्रधान हुए, अभी चुनाव तो हुए, हमने कितने काम मांगे, उन्होंने कोई काम नहीं दिया हमारे यहाँ से, एक भी काम नहीं, कोई भी काम नहीं दिया इन्होंने विधायक जी ने। बताओ तो विकास कार्य कहाँ से कराऊंगे यहाँ, जब कोई काम ही नहीं दिया उन्होंने। प्रधान जी, कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है, योगी जी का शासन है, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हैं इनसे इनकी शिकायत है। यहाँ पर एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में है, हम इनसे भी जो है बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल योगी सरकार का हो चुका है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? 0%। क्या बात हो गई, क्यों इतनी नाराज़गी है? सर, जब हमारे गाँव में ही कोई काम नहीं होगा तो फिर हम तो 0% आएंगे सर। तो आपका चकाचौंध है यहाँ पर देना, अगर और भी समस्या है गांव में। मैंने किसी जो गरीब तबके का जो मजदूर रहता है इस गांव में, मोस्टली 90% वो गरीब तबके के, मैंने मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे सर। तो सरकार को जो मैंने सरकार से हमें कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आज तक हमें उनकी शक्ल भी नहीं जानते कौन हमारे विधायक हैं। तो 2017 में वोट तो आप लोगों ने उन्हें ही दिया होगा सर? यो हमने वोट तो करा था, लेकिन सर उन्हें तो दिया था, लेकिन हमने उनके उससे नहीं दिया था। हमने देखा था मोदी जी और योगी जी कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए हम उससे। उम्मीदों पर आपकी खरा नहीं उतर पाए आपके विधायक जी? बिल्कुल 100% सर। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब आपका क्या मूड है? बहन जी को मैं वोट करूँगा सर, उनका शासनकाल 100% सही रहा है। कानून व्यवस्था सब कुछ जो हमारे गाँव में जो देना है, बरात घर हो गया या CC होगी सर, बहन जी की देना है सर। तो पिछले 4.5 वर्षों में आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ सर? आज तक हमारे विधायक हमारे गांव में ही नहीं आए सर। तो जो पूर्व की सरकार रही है अखिलेश यादव जी की, उसके उनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य आपके गांव में हुआ है? सर, उसमें तो मैं कह नहीं सकता कुछ ऐसा कोई, लेकिन 0% ही है वो भी। तो यहाँ कहना चाहूँगा सर, एक बात मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, तो मैंने जैसे आप हमें पूछने के लिए आ गए
आज तक मैंने आप हमारे ये बात सब पचाओगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र विधायक है उन्हें हमारी समस्या सुननी चाहिए। एक हमारी सड़क है सर, यह आज तक हमें इतने तो हो गए चलते आज तक नहीं बनी, बरसात में आने जाने में दिक्कत होती है। मैन सड़क है हमारी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, यहाँ से 150-200 बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होगी सर, यहाँ से साइकिल पर ऑटो से जैसे भी जाते हैं। तो हम इसके रिक्वेस्ट है आप जैसे हमारी न्यूज पहुँचाओगे। अब सवाल ये है, जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, आपने वोट भी दिया है, आपने उन्हें चुना है, ये जो प्रमुख समस्या आप बता रहे हैं, कभी मिले हो आप विधायक से? सर हमारे नाना मेरे प्रधान जी ने पहले ही बोल दिया, ये मुल्क है, उनसे बोला, उन्हें रिक्वेस्ट करी, उन्होंने जब प्रधान जी को काम नहीं दिया तो हमें क्या काम देंगे। तो यहाँ पर प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी से भी अब बातचीत करेंगे। बताइए जो समस्या ये जो भाई बता रहे हैं, इसके समाधान के लिए आपने विधायक जी से मुलाकात की? एक बार एक तीन प्रधान ककरा ले गए, प्रधान जी बीते के प्रधान जी, रेडी मिल्क के सफदलपुर के प्रधान जी, कृष्णी के प्रधान जी, मैं स्वयं, हम जब लखनपाल जी सांसद थे उनसे भी मिले, उसके बाद देवेंद्र निम से भी मिले, उसकी अच्छा एक दो जगह और भी गए, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ इस चीज़ का, हमने लिखित में भी दी।